कुर्बान हुआ के सभी एपिसोड्स देखें बिल्कुल मुफ्त सिर्फ Z5 पर। अभी ऐप डाउनलोड करें। अच्छा, जब मैं जेल में था ना, एक पल के लिए मैं डर गया था, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि तुम मुझे बचा लोगी। खुदा ना खास्ता अगर मुझे फांसी हो जाती ना, तो मुझे उस चीज का डर नहीं था। ये डर सिर्फ इस चीज का था कि मैं तुम्हें कभी खबरदार जो आपने ऐसी बात की तो आपको कुछ हो जाए और मैं आपको बचाने के लिए अपनी जी जान एक कर दूंगी। और सच तो ये है कि मैं आपके बिना नहीं जी सकती। अरे हमें भी तो लो, अकेले अकेले अम्मी को आप करोगे क्या? तुम दोनों को बहुत मिस किया मैंने, पता है? और मैंने तो उससे भी ज्यादा बाबा। ये देखिए नील, आपके बच्चे अल्लाह मियां से आपके लिए कितनी दुआएं मांग रहे थे। खैर, अब हम सब ये सोचते हैं कि ये हमारी लाइफ की आखिरी मुसीबत थी, इसके बाद हम सब साथ में रहेंगे और बिल्कुल खुश रहेंगे। ये सब किस लिए? इतनी प्यारी फैमिली है, इसको तो किसी की भी नजर लग सकती है। तो बस आपके परिवार को नजर लगने से बचा रही हूँ। नवेली, चाहत ने मुझे बताया कि मेरे जाने के बाद तुमने बच्चों का बहुत ख्याल रखा। नहीं, थैंक यू। और तू इधर आ, तू इस घर का दामाद है ना? हाँ। तेरे कान खींच कर आऊंगा। अरे पैजी, मुझ पर लगा इल्जाम तो अपने सिर लेने वाला था। पैजी, बजा दिया ना भोपू। पैजी, हमारी दोस्ती ना, इसकी इतनी कीमत है मेरी नजर में कि आपके लिए ना अपनी जान हंसते हंसते दे दूं। आप सिर्फ दोस्त नहीं हो मैं जी, उसे कहीं बढ़कर। नील, आप जाकर बाबा से मिल लीजिए, हो सकता है ना अगर आप उनके आसपास रहे तो वो कोमा से बाहर आ सके। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि अलकनंदा ने हमारे परिवार के साथ ऐसा धोखा किया। कौन था वो जिसने अलकनंदा को इतना भड़का है कि वो इतनी बदल गई? खैर, मैं बाबा के पास जाता हूँ। मैं अलकू की कान तो मैं ही भरती थी, हमें इस अकालत का साथ देने का नतीजा तो आज देख ही रही हूँ मैं। मामी, मामी आप ये क्या कर रही हैं? अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। मामी आप कैसी बातें कर रही हैं? छोड़िए इस बैग को, मैंने आपसे पहले भी कहा है ना, ये घर आपका है, आप क्यों इस घर को छोड़कर कहीं और जा रही हैं? जब तक मेरा साया इस घर पर रहेगा, इस घर में खुशहाली कभी नहीं आएगी। अलकनंदा को भी मैंने ही बिगाड़ा है, उसे हमेशा यही कहती रही कि नीलकंठ के साथ उसकी जोड़ी अच्छी रहेगी। और जा, इसका नतीजा देख लिया ना तूने, इसलिए मैं सोच लिया मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। अगर मैं इस घर में रही सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आज तू मुझे नहीं रोकेगा, मैं जा रही हूँ। ठीक है मामी, मैं आपको रोकने की कोशिश नहीं करूंगा। नीला भी क्या कह रहे हैं? मामी जाना चाहती है तो मैं कुछ कर नहीं सकता ना। मैं तो बस ये सोच के परेशान हूँ कि जब मामा जी वापस आएंगे तो मामी के बिना कैसे रह पाएंगे। नवेली के पापा वापस आ रहे हैं, इसे बात हुई तेरी? हाँ, मेरी बात हुई उनसे। तू मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा है? मामी, ये मजाक करने वाली बात है, मजाक क्यों करूंगा मैं? जब मैं चाहत से दूर रहा तब मुझे एहसास हुआ कि अपनों से दूर रहने का दुख कितना बड़ा होता है। और मामी, मुझे और चाहत, हम दोनों को आपके दुख का एहसास है। मेरी मामा से बात हो चुकी है, वो संन्यास छोड़कर वापस आ रहे हैं। हम सबके साथ रहने, इसके बाद भी अगर आपको जाना है तो आप जाइए, नहीं रोकेंगे आपको। मुझे माफ कर देना नीलकंठ, मैं हमेशा तुझे गलत समझती रही, लेकिन तू तो हीरा निकला रे। नवेली के बाबा आ रहे हैं ना, तो मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। और वैसे भी अब वो आ जाएंगे ना तो मुझे गलत का साथ भी नहीं देने देंगे। वैसे भी मामी, अब ये सब कुछ करने का वक्त नहीं होगा आपके पास, क्योंकि अब से आप घर की बागडोर संभालेंगी। अरे मामी, ये लीजिए घर की चाबियां, और आज से आप इनको संभालेंगी। मैं नील, बच्चे और अपना क्लिनिक संभालूं, मेरे लिए वही बहुत है। कुर्बान हुआ के सभी एपिसोड्स देखें बिल्कुल मुफ्त सिर्फ Z5 पर। अभी ऐप डाउनलोड करें।